जय हिंद दोस्तों, ध्येय आईएएस की तरफ से उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए करंट अफेयर की एक पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी, तो उसी पीडीएफ को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस पीडीएफ में हम 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पर आधारित हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 14 मई एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। देखिए दोस्तों, ध्येय आईएएस की तरफ से उत्तर प्रदेश फुल लेंथ करंट अफेयर का यह टेस्ट होगा, जिसमें हम आज 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और ये सारे के सारे आपके बायलिंगुअल होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में कन्वर्ट करूँगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में डोपिंग के खतरे को रोकने हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर करने की घोषणा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा की गई है। तो याद रखें दोस्तों, ये जो कार्य किया गया ये अहमदाबाद में किया गया है, यानी भारत में डोपिंग खतरे को रोकने हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की गई है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, तो खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो याद रखेंगे, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न है कि नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। तो पहला तो पॉइंट याद रखेंगे, काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, वाराणसी में किया जा रहा है। और किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है, तो आपके शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपके सामने है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालयी याक। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नवंबर 2022 में कतर में आयोजित फीफा विश्वकप 2022 के बारे में सही कथन पर आपको टिक करना है। पहला कथन है कि इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। दूसरा कथन है कि यह पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन अरब जगत में हुआ है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे दोस्तों, दोनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाँचवा प्रश्न है कि नागरिक उद्योग तथा सरकार को समीप लाने के विषय वस्तु के साथ ई गवर्नेंस पर 25वें सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ पर किया गया है। याद रखें दोस्तों, ये कटरा जम्मू कश्मीर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपके सामने है कि नवंबर में निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित था। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर अब्दुल फतेह अल सिसी को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, और ये कहाँ के, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध घोषित किया गया, यह अधिनियम संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, 103वां जो संविधान संशोधन था, इसका संबंध किससे था, तो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण बच्चों को 10% क्या दिया गया था, तो आरक्षण दिया गया था, उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया, यह मूर्ति समर्पित है। तो याद रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी किसको समर्पित है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखेंगे ये स्वामी रामानुजाचार्य को समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एनी अरनॉक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस देश की निवासी है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो फ्रांस की निवासी है। अगला प्रश्न है कि बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए निम्नलिखित में से किन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों कल वाली वीडियो में भी था, तो देखो दोस्तों, ये तीनों ही व्यक्तियों को ये दिया गया है। ठीक है, तीनों ही व्यक्तियों के नाम आप याद रखेंगे, बेन एस वर्नान, डगसन डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइब बीओ को, तो इन तीनों ही को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 11वां प्रश्न आप देखेंगे। देखिए कि अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित प्रचंड है एक, तो आप बताएंगे प्रचंड क्या है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि प्रचंड क्या है, तो एक तरीके का हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इप्सामार 7 निम्नलिखित में से किन तीन देशों के मध्य आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। तो दोस्त याद रखेंगे, ये ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 22वीं बैठक के संबंध में सत्य कथन है, तो दो कथन दिए गए हैं। सितंबर 2022 में यह बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई। इस सम्मेलन में लेबनान एस सी ओ का नया सदस्य बना है।
तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, पहला केवल सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है आपका, दूसरा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया कि अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 107वें स्थान के साथ गंभीर स्थिति में रखा गया है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों आप इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात केवल पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि विश्व भुखमरी सूचकांक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा पारेखर को। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अफ्रीका में लंबे समय से चलाए जा रहे ऑपरेशन वरखाने की समाप्ति की घोषणा की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ मूड हेतु द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 से सम्मानित किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खालिद जावेद को। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में निम्न में से किस एक समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा धर्मांतरण कर चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे पर अध्ययन करने हेतु किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, KG बालकृष्ण समिति को। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में मोढेरा को भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह स्थित है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। वर्ष 1996 से 98 के दौरान वे रक्षा मंत्री रहे, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे व 7 बार लोकसभा के निर्वाचित हुए। तो आप याद रखेंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्तों पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर याद रखेंगे पहला कथन सही हो जाएगा, एक मिनट आप रुकेंगे, और दोस्तों आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा अगर क्योंकि 3 बार में मुख्यमंत्री के पद पर रहते ना कि 4 बार। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला और तीसरा सही कथन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है 21वां प्रश्न। कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में IMT त्रिलाट नामक नौसैन्य अभ्यास भारत के किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये किया गया है मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एक पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों सुबह वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था मथुरा और वृंदावन को। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों ये भी हमने सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया था प्रश्न, 8वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठन इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस द्वारा मोम लुह गुफा को प्रथम भारतीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। यह गुफा किस राज्य में स्थित है। यह भी दोस्तों स्वयं वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये आपके मेघालय राज्य में है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि यूरोप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने से संबंधित नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना किन दो देशों के मध्य चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये रूस और जर्मनी के बीच चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया के शीर्ष रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान वियना ऑस्ट्रिया को दिया गया। इस इंडेक्स जारी कौन करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है ये आपके द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, INS विक्रांत के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, पहला ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, दूसरा किसका निर्माण मझगांव डांक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार दोनों इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक यहाँ पर कहा गया है, जबकि आपका क्या हो जाएगा। तो आप याद रखें जुलाई 2022 में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया गया। यहाँ पर पूछा सत्य कथन का चयन कीजिए, तो पहला आपका सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मझगांव डांक शिपयार्ड की बात कर रहा है, जबकि बना हुआ किसके द्वारा, कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर केवल सेकंड हो जाएगा, यानी पहला गलत, सॉरी यहाँ पर असत्य पूछा है, नहीं गलत वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे गलत पूछा है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आपका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस की मात्रा तथा वातावरण में अवशोषित की गई गैस की मात्रा में संतुलन हेतु नेट जीरो का रोड मैप निर्धारित किया गया है? तो किस वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया है? तो 2050 तक के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, P-75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी फ्रीडी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS वागीस को, तो ऑप्शन नंबर डी INS वागीर। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस पहल को प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहलों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा नमामि गंगे पहल को, तो ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं 31 में प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 के नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है? तो दोस्तों तैयार की गई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे उत्कर्ष 2.0। दिसंबर 2022 में संपन्न दृष्टिवंदित T20 विश्व कप का तीसरा संस्करण खिताब किस देश को पराजित करके भारत ने जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये खिताब आपको बांग्लादेश को पराजित करके भारत ने जीता है। अगला, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में पृथक दिव्यांग मंत्रालय गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य बना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में अमेरिका की अरवोनी ग्रीवियन ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है, वह सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो याद रखें दोस्तों ये मिस यूनिवर्स की 2022 का जो खिताब था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपसे पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका UAE में आयोजित किया गया था, तो आप याद रखेंगे लुइसियाना USA में, ठीक है, तो लुइसियाना USA में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 के लिए पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनाक्षी सिन्हा को। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की जो स्थल था वो कहाँ पर था? तो दोस्तों याद रखें आपके इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं नागपुर विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है कि लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इंपैक्ट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो दोस्तों याद रखें 68वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। अगला कि दिसंबर 2022 में भारत एवं किन देशों के मध्य सेनाभ्यास कांजिद 2022 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे कांजिद भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वडारकर किस यूरोपीय देश ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपके आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में विलुप्त प्राय जीव फ्लेंडर रोस लोरिस के लिए भारत के पहले अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना किस राज्य द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके तमिलनाडु राज्य के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपके सामने कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद कूट के आधार पर अपने आंसर टिक करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले कथन की तरफ। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि IB समर भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग है, यह इस बहुउद्देशीय समुद्री अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2022 में पोर्ट गेकबरेहा दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। तो इस प्रकार हम जानेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहला, और दूसरा यहाँ पर पूरा कौन कौन से असत्य हैं, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, असत्य एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इंडेक्स 2022 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो दोस्तों ये शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा गन्ना किसानों के आदोगनी करने के उद्देश्य से कौन सी एक नई योजना चालू की गई है? तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर नई योजना चालू की गई, ऑप्शन नंबर ए पंचामृत योजना, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखें गन्ना में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना का शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है?
तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी एनी अर्नो को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश की परिवर्तनीय राजधानी का नाम अस्ताना है? तो दोस्तों कोम्फा देफा जिसने अपनी राजधानी अस्ताना बनाई है, परिवर्तन यानी बदल दी है, तो वह कजाकिस्तान, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अगस्त सितंबर 2022 के मध्य आयोजित एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में सत्य कथन नहीं है, ये आपको बतानी है। यहाँ पर चार कथन दिए गए, आइए पढ़ते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कि इस प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। दूसरा, फाइनल मैच श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित किया। तीसरा, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब विराट कोहली को प्राप्त हुआ। चौथा, कि एशिया कप का सर्वाधिक बार खिताब भारत ने जीता है। तो इसमें से गलत कथन आपको बताना है, सत्य कथन नहीं है, वो आपको टिक करना है। तो बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह कह रहा है कि प्लेयर ऑफ द किताब जो दिया गया वो विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है? तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि प्लेयर ऑफ द जो सीरीज थी, यहाँ पर सीरीज का बात कर रहा है, तो ये दी गई थी वानिंदु हंफरंगा श्रीलंका के को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला है कि भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु इस्माइल 75 यानी स्माइल 75 उप योजनाओं को अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया है। यह पहल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछे हैं। तो पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर दिया गया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ये केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा चालू की गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई, यह कितने अंकों का फैमिली कार्ड होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें कुल 12 अंक होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जादुई पिटारा के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कि यह एक खेल आधारित शिक्षण व्यापक सामग्री है, इसे 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग सक्षम बनाने वाला प्रथम राज्य होने की घोषणा की है? दोस्तों याद रखेंगे ये किया गया केरल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर किस निकाय चुनाव में, तो याद रखें अवतार सिंह आयोग के माध्यम से। तो अभी जो हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं उनमें अवतार सिंह आयोग का गठन किया गया था, ये अध्यक्ष बनाए गए थे निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर। आइए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली 25 महिला एथलीटों की सूची जारी की गई, इस संबंध में सही कथन कौन कौन से, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आइए समझते हैं, दो कथन दिए गए हैं कि जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका इस सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इस सूची में 12वें स्थान पर हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। स्काई हॉक भारत का प्रथम है, तो आप बताएंगे क्या है भारत का प्रथम? तो दोस्तों ये भारत का 5G सक्षम ड्रोन है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ICC अवार्ड 2022 के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताने हैं। तो पहला है कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बाबर आजम को बनाया गया है, ठीक है? इस प्रकार आप बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर चार ऑप्शन, तीन दिए गए, इनको सुमेलित करके आपको बताना है कौन कौन से सही हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पहला दिया गया कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बाबर आजम है, तो ये सही है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ये भी आपका सही है, नताली सिलिक स्कीवर। अगला के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी वेन स्टॉक, ये भी आपके सही है। तो पहला दूसरा तीनों ही कथन सही, उपयुक्त डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आइए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ कि दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो याद रखेंगे अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, उसका नाम है तमिलनाडु राज्य, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, फरवरी 2023 में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इस सूचकांक में जर्मनी को शीर्ष स्थान मिला है, भारत का इस इंडेक्स में 10वां स्थान है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस देश में चक्रवात गैब्रियल के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो उस देश का आपको नाम बताना है दोस्तों, वो देश था आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेक्कन बस का परिचालन किस देश में शुरू किया गया है? ठीक है, तो आप याद रखें दोस्तों, किस देश किस शहर में शुरू किया गया है, ठीक है, शहर आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा मुंबई में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत में मातृभाषा को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भाषाविद को यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार प्रदान करने किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र कुमार मिश्र को। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त नए राज्यपाल या उपराज्यपाल के युग्मों में सही युग्म नहीं है, ये आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे, फाल्गु चौहान मेघालय सही है, रमेश बेस महाराष्ट्र ये भी सही है, शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल प्रदेश ये भी आपका सही है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसी काम पर डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है कि जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं इनको झारखंड का बनाया गया, जो कि गलत हो जाएगा, सिक्किम के हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है ये कहाँ के हैं, तो ये सिक्किम के हैं, ठीक है, तो इतना आप याद रख सकते हैं, सिक्किम के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो दोस्तों भारत की रैंक 85 में रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए कि जनवरी 2023 में राइट टू साइट विजन उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान बना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के तौर पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल क्या रहा है? तो याद रखेंगे ये रहता है अहमदाबाद गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं किस देश की सेनाओं के मध्य प्रथम संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे मिस्र के साथ किया गया साइक्लोन वन। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया, इसके आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किससे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा को। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों, अजय बंगा को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल में किया गया था। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ है? तो याद रखेंगे आपके गुजरात में संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रोपेक्स 2023 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताने हैं, तो यहाँ पर आपके सामने कथन दिए गए हैं, बताइए कौन कौन से कथन सत्य हैं या कौन सा कथन सत्य है। पहला कि यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा थिएटर स्तरीय सामाजिक तैयारी अभ्यास होते हो, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी तीनों के तीनों आपके गलत हो जाएंगे, तो पहला सही है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला कि जनवरी 2023 में किस देश के ओडिशा शहर को यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों याद रखें कौन सा शहर है, तो याद रखें ये आपका यूक्रेन का है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो मित्रों याद रखेंगे भारत को 112वां स्थान दिया गया, बहुत ही शर्म की बात है कि भारत को 112वां स्थान दिया गया, प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। अगला प्रश्न, ICC पुरुष T20 विश्व कप के बारे में आपको सही कथन बताने हैं, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, इस प्रतियोगिता का खिताब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब सैम करन को दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रखें कौन कौन से कथन सही हैं, यहाँ पर कथन भी आप देखेंगे, फिर आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला भी कथन आपका सही हो जाएगा और तीसरा कथन सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा कथन आपका गलत हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने यहाँ पर न्यूजीलैंड को नहीं हराया, यहाँ पर पाकिस्तान को हराया था, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कह रहा है कि फरवरी 2023 में एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखेंगे एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आयोजन हुआ था आपका बंगलुरु में, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, अमृत पैक्स 2023 संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों ये डाक विभाग से संबंधित है अमृत पैक्स 2023। अगला, अभ्यास डस्ट लिंक 2023 का संबंध किन से है, सही कथन आपको बताना है, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह भारत तथा उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। दूसरा कि फरवरी 2023 में इसका आयोजन जोरहट आसाम में किया गया। तो अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्तों आपका पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा आपका
गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला सही दूसरा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था ना कि आसाम में। अगला क्वेश्चन है, नेवानो पीस फाउंडेशन द्वारा फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय को 40वां नेवानो शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो दोस्त याद रखेंगे, ये दिया जाएगा राजगोपाल पीवी को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को 6वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, डाइट नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 जनवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना केंद्र सरकार द्वारा निवेशों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो याद रखें दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नाट प्रभु केम्पेगौड़ा द्वारा प्रेरित स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, सोए वाली क्लास में भी डिस्कस किया था बंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में नासा द्वारा शॉर्ट अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखें दोस्तों, इसका जो अंतिम जो प्रथम उद्देश्य है वो है आपका पृथ्वी के जल का सर्वेक्षण करना, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस भारतीय राज्य ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु एक पहल की शुरुआत की है? तो आप याद रखें, नीलगिरी से ही आप बता सकते हो, क्योंकि नीलगिरी की आपने पहाड़ियाँ सुनी होंगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड पर्यटन विभाग द्वारा किस भारतीय एथलीट को अपना पर्यटन दूत नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड होता रहा ये प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 86वां प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2022 में भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ हेतु पहली भारतीय आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन सीएम रीप में किया गया, सीएम रीप कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, आपके कंबोडिया में स्थित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत ने विश्व स्टील उत्पादन में द्वितीय स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए आपसे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान को पीछे छोड़कर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 88वां प्रश्न आप सभी के बीच है कि नवंबर 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखे बढ़ते हैं, हरिमऊ शक्ति अभ्यास आपके भारत और मलेशिया के बीच हुआ, ये सही है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ये भी सही है। आपका बी वाला गलत हो जाएगा, अग्नि वॉरियर्स भारत और सिंगापुर की बात कर रहा है, तो यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। नवंबर 2022 में काशी तमिल संगम का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, मैं भी ऊपर बता के आया हूँ, ये वाराणसी में आयोजित किया गया है। अगला, नवंबर 2022 में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, बहुत ही अच्छे मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं ये। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में निम्न में से किस भारतीय वन्यजीव विज्ञानी को एंटरप्रेन्योरिटी श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों आपके गोवा में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, नवंबर 2022 में निम्न में से किस संस्था को शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों आपके दिया गया था प्रथम को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि नवंबर 2022 में निम्न में से किन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के में सुधार हेतु गठित पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें सुधार के लिए पैनल में जो अध्यक्ष बनाए गए, अमरजीत सिंह सिन्हा को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किस समिति का संबंध उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन में से है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आइटम फॉर ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण समिति का। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर एक तरफ रिपोर्ट है, दूसरी तरफ जारी करता है, आप यहाँ पर बताएंगे इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो बताइए इनमें से कोई कौन कौन से सही सुमेलित हैं। विश्व वन्यजीव रिपोर्ट साइट्स के द्वारा, ये तो सही है। विश्व कार्बन बजट, ये भी आपका सही है। विश्व जलवायु, ये भी आपका सही है। तो तीनों ही सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करके सही कथन बताने, तो पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपके सामने कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन लंदन में किया गया। दूसरा है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में केरल टूरिज्म की स्ट्रीट परियोजना को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 मिला है।
तो इस प्रकार याद रखेंगे दोस्तों, इसका पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है, प्रश्न देखेंगे कि नवंबर 2022 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में फ्रंटियर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका जो सुपर कंप्यूटर है आपके अमेरिका का है, फ्रंटियर। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार किस वर्ष तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो दोस्तों बन जाएगा नहीं, ये बन गया है नवंबर आपका ये 2023 में ही बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग नवंबर 2022 में आयोजित एक सम्मेलन की विषय वस्तु थी, तो वो सम्मेलन कौन सा था? तो वो था आपका G20 शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में निम्न में से किस देश द्वारा मिडिल ईस्ट ग्रीन इनोवेशन पहल का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये था आपका सऊदी अरब द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा वैश्विक साझेदारी का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके आयोजित किया गया था टोक्यो जापान में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में B-21 राइडर स्टील्थ बॉम्बर नामक छठी पीढ़ी के युद्धक विमान का अनावरण किस देश द्वारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये किया गया आपके USA के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2022 में देश की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर फ्रंट का निर्माण किया गया, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों नाम आपसे पूछा है, नाम आप बता सकते हैं, इसका नाम है INS अरनाला, तो ऑप्शन नंबर बी INS अरनाला। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 के इको ऑस्कर नाम से प्रसिद्ध अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर फ्रीडी में किस भारतीय संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार्टअप खेती को। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैव ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य कृषि आय एवं निवेश को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वेव हार्टर्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो याद रखेंगे, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विक्रम संपत, ऑप्शन ए। अगला, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखें, यहाँ पर किया गया है जेरेमी फरार को, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि यूरोपीय यूनियन द्वारा फरवरी 2023 में किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है? तो वो देश हो जाएगा आपका ब्रिटेन के साथ मिलकर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 111वां प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में जारी NCAP ट्रेकर रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में PM2.5 स्तरों के संबंध में भारत के सबसे प्रदूषित तीन शहर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखें, भारत के सबसे गंदे शहरों की बात की जाए तो इसमें नंबर एक पर आपका दिल्ली आता है, दूसरा फरीदाबाद और तीसरा आपका गाजियाबाद, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस केंद्रीय जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले खाने को 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? यहाँ पर जेल की बात की गई, वो कौन सी जेल है? तो वो दोस्तों जेल आपकी, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुलंदशहर सेंट्रल जेल, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में भारत एवं नेपाल की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्यकिरण 16 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये आपके फालझंटी नेपाल में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी 2022 की सूची जारी की गई, जिसमें 3 भारतीयों को स्थान दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारतीय इसमें शामिल नहीं है? तो दोस्तों याद रखें, इसमें अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं है, शिव नडार, अशोक फुत्ता और गौतम अडानी, इन तीनों व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, एक तरफ देश देंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री देंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही सुमेलित प्रधानमंत्री हैं? तो फटाफट बताइए, इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, बताइए। चलिए समझते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल के, तो इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। आयरलैंड की बात की जाए तो एरिड बडारकर, और डेनमार्क के ये भी सही हो, पेरू के ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिसंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 के तहत अब तक मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, कब तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 2023 तक। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में एकीकृत भुगतान
इंटरफेज सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो हम फ्रोजक ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस देश की प्रतिस्थापित करते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? दोस्तों देश हो जाएगा जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर भारत आ गया है, अमेरिका, चीन, भारत। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व के किस देश द्वारा दिसंबर 2022 में अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो देश हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्री संसाधनों एवं खनिजों की खोज हेतु निम्न में से किस वर्ष तक समुद्रयान मिशन को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2026 तक। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। पहला कि 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुबली धारवाड़ कर्नाटक में किया गया। इस महोत्सव की विषय वस्तु सशक्त युवा सशक्त भारत की नींव थी। तो आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? दोस्तों पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को नष्ट करने के उद्देश्य से ऑपरेशन गरुड़ का आरंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑपरेशन गरुड़ का आरंभ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी। अगला कि निम्नलिखित भारतीय मूल के व्यक्तियों में से किस एक को जनवरी 2023 में अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उप निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरव डी शाह को। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5-स्टार रेटिंग के साथ ईज राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? यहाँ पर देखिए 5-स्टार रेटिंग की बात कर रहा है, एक जगह हमने आज सुबह वाली वीडियो में देखा था 4-स्टार रेटिंग के मामले में, ठीक है। तो 4-स्टार में दूसरा रेलवे स्टेशन और 5-स्टार में दूसरा रेलवे स्टेशन है, दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए 124वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, 5-स्टार में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जनवरी 2023 में वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो याद रखें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में युवा प्रेशर योना का शुभारंभ भारत का किस देश के साथ चालू किया गया है? तो याद रखेंगे आपके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला कि जनवरी 2023 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोएशिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जनवरी 2023 में निम्न में से कौन सीमा सड़क संगठन यानी BRO के विदेशी प्रोजेक्ट में तैयार होने वाली प्रथम महिला ऑफिसर बनी है? तो याद रखें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुरवी जखमूला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 6वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी 2023 को मनाया गया, इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या रही? तो याद रखेंगे इस सम्मेलन की विषय वस्तु थी निवेश और रोजगार, ऑप्शन सी। अगला कि जनवरी 2023 में राज्य मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर संपन्न किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2023 में विश्व के सबसे लंबे रिवर फ्रंट MV विलास को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, यह क्रूज चलाया गया है? तो वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच चलाया गया है। और 131वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के मध्य, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कि जनवरी 2023 में वर्ल्ड 2023 वायु सेनाभ्यास का आयोजन भारत एवं फ्रांस के मध्य किया गया है, इसका आयोजन हिंडन एयरवेस गाजियाबाद में किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों ना तो इसमें सही कथन पूछा है, दोनों के दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कि जनवरी 2023 में भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव का आयोजन किस नाम से किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरासत। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड द्वारा किस साइक्लोन के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा साइक्लोन ग्रेवियल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो उस राज्य का नाम आपको बताना है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य, ठीक है। मैं थोड़ी इसलिए जल्दबाजी में करा रहा हूँ दोस्तों कि समय बहुत कम है, आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को देख लें, ज़्यादा समय खराब ना करें। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके उड़ीसा में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में किस हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेन्नई हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में भारत के किस देश को स्वदेशी निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का निर्यात किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉरिशस के साथ। इसी क्रम में बढ़ेंगे, निम्न में से भारतीय मूल के किस अमेरिकी को फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में यूट्यूब के नए CEO कौन है? तो नील मोहन को बनाया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में द पल्स कॉन्वर्सेशन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके मुंबई में किया गया है, ऑप्शन ए। अगला कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में प्रदेश के कुल कितने करोड़ों का निवेश प्रस्तावित किया गया है? तो दोस्तों याद रखें 33.50 करोड़ रुपये का। अगला क्वेश्चन है कि मैनुएला रोकावोटो, याद रखें, देखिए इनका नाम आपको याद रखना है, मैनुएला रोकावोटो फरवरी 2023 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इक्वेटोरियम गिनी की बनी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में सेमीकंडक्टर की स्थिति आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग करने के लिए चिप 4 गठबंधन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस चिप 4 गठबंधन के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 5 देश दिए गए, आपको 4 देश बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पहला आपका जापान हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका देखिए भारत नहीं आएगा आपका, इसमें अमेरिका हो जाएगा और इसका ताइवान हो जाएगा, इसमें भारत नहीं आएगा, ठीक है, भारत को छोड़ के 4 देश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्त याद रखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी मुंबई में किया गया, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन। अगला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा फरवरी 2023 में इसका UTM का अनावरण किया गया, यह क्या है? तो दोस्त याद रखेंगे आपसे पूछा गया कि स्काई EUTM ये क्या है? तो दोस्त याद रखेंगे ये ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि द 7 वुमेन ऑल ऑफ माली अल्मीडा नाम पुस्तक के लेखक वर्ष 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्त याद रखें इस पुस्तक के लेखक हैं रेहान करुणा तिलका। एक बार पुनः प्रश्न को देखेंगे, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा नाम पुस्तक 2022 में प्रकाशित की गई और इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो इसके लेखक कौन है? तो नाम याद रखें रेहान करुणा तिलका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फरवरी 2023 में किस भारतीय महिला जिमनास्टर को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ हाइजेनामाइन के सेवन के कारण 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर अश्विन को रविंद्र जडेजा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों को दिया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में यूनिसेफ द्वारा किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। इसी बीच अगला प्रश्न है कि तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयंकर भूकंप में किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री भेजी थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त के तहत। तो ये तो थे दोस्तों 150 प्रश्न थे आईएएस की तरफ से जो दिए गए हैं, इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और एक बार चाहो तो रिवीजन कर लेना, जिससे कि आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न ऐसे बने गलत नहीं हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा उन लोगों के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।